जंगे ओहद का ये दूसरा हिस्सा इस दूसरी कैसेट में आप समाज फरमाइएगा। जब हमारे हुजूर के हुक्म की तामील उन टीले वालों ने नहीं की जो हमारे आका ने टीले पर बिठा रखा था 40 आदमियों को, उन्होंने जब देखा कि हमारे लोग जीत गए हैं, मुसलमानों का लश्कर जीत गया है, तो वो पहाड़ी से नीचे उतर के आते हैं। लेकिन जब ये नीचे आ गए तो हज़रत खालिद जो पहाड़ी के आड़ में इस इंतज़ार में बैठे थे कि जब ये लोग उतर जाएंगे उसके बाद मैं अपना लश्कर लेकर ऊपर पहुंच जाऊंगा, उन्होंने क्या किया समाप्त कीजिएगा। नबी के हुक्म की परवाह न थी जब टीले वालों ने, तो नक्शा जंग का डाला बदल खालिद की चालों ने। मुजाहिद जो नए थे वो लगे माले गनीमत में, उन्हें ना तजुर्बा कारी ने डाला एक मुसीबत में। जो देखा टीले वालों ने के दुश्मन अब फरारी है, तो सोचा लूटना माले गनीमत राजदारी है। लगे नीचे उतरने तो उन्हें एक शख्स ने टोका, बहुत समझाया अब्दुल्लाह ने हर चंद हीरो का। कहा सरकार का फरमान है ठहरा यहीं जाए, न जब तक हुक्म हो मेरा कोई नीचे नहीं आए। कहा सबने पता पाने किए तरकीब थी सोचो, पता हासिल हुई माले गनीमत चल के अब लूटो। उन्हें उकसाया लालच ने वो मालो जर के हीले से, गए नीचे उतर कर लोग सब 40 टीले से। फकत 10 आदमी ही रह गए ऊपर पहाड़ी पर, जो बाकी और थे वो जा गिरे सब माल के ऊपर। घुसे दुश्मन के खेमों में सरासर खा गए धोखा, नतीजा उजला तो गफलत का बिल्कुल भी नहीं सोचा। छुपे थे ताक में खालिद उधर पीछे पहाड़ी के, उदाओ मुस्तफा पर वो अभी ईमान लाए थे। तजर्बाकार थे खालिद बहादुर और पहलवा थे, तजर्बाकार थे खालिद बहादुर और पहलवा थे। बनूने जंग में माहिर थे दूरंदेश इंसान थे, थे वो के पहरे दार हट जाएं। पहाड़ी पर चढ़े हम जंग के पासे पलट जाएं। उबल का नाम ले लेकर चढ़ा खालिद का जब दस्ता, मुसलमानों ने फेंके तीर रोका हर तरह रस्ता। सहारा लेके ढालों का चढ़े दुश्मन पहाड़ी पर, यकायक 10 मुसलमानों पे हमला कर दिया जाकर। बेचारे करते क्या 10 आदमी वो फिर भी हिम्मत से लड़े, काफी मुशर्रफ हो गए जामे
شہادت سے پہاڑی پر مکمل ہو گیا خالد کا جب قبضہ تو جھنڈا کفر کا خالد نے اس ٹیلے پہ لہرایا پکارا اے ہو بل کے پوجنے والو پلٹ آؤ مسلمان لوٹ میں مشغول ہے مارو فتح پاؤ جو دیکھا مکے والوں نے کہ خالد ہے پہاڑی پر ابو سفیان لوٹا ایک دم فوجے گرا لے کر مسلمان سب تھے خیموں میں اچانک کر دیا حملہ لگی تلوار چلنے ہر طرف سے گھیر کر مارا مسلمانوں کے دل اس بات نے حیرت میں کھے ڈالے دوبارہ آ گئے سر پر یہ کیسے بھاگنے والے ساتھیوں کو لے کر اس پہاڑی پر چڑھتے ہیں یہ 10 مسلمان ان کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بہت تھے اس لیے یہ مسلمان جامع شہادت نوش فرما جاتے ہیں جب پہاڑی پر خالد کا قبضہ ہو گیا تو پکارا کہ اے حبل کے پوجنے والو پلٹ آؤ مسلمان لوٹ میں مشغول ہیں اور اس کو مارو فتح پاؤ جب یہ بات ابو سفیان نے سنی تو وہ ایک دم لوٹ آتا ہے اپنی بڑی فوج لے کر اور حملہ کر دیتا ہے اس کے بعد مسلمانوں کے دل اس بات نے حیرت میں ڈالے تھے دوبارہ آ گئے سر پر یہ کیسے بھاگنے والے مسلمان حیرت میں تھے کہ یہ جو بھاگ گئے تھے یہ واپس کیسے آ گئے لیجیے سنی آگے کا حال جہاں تھا جو مجاہد گر گیا جنگی مصیبت میں ملی یہ جنگ کی آفت انہیں مالِ غنیمت میں بہت سے جاں بحق ہو کر ہوئے حقدار جنت کے بہت سے رن میں اپنے پن دکھاتے تھے شجاعت کے گرے تھے بیچ میں اسلام والے پھر بھی لڑتے تھے وہ کھا کر ضرب ہٹتے تھے نہ ہوش ان کے بگڑتے تھے علمبردار مذہب اس طرح سے جنگ کرتے تھے جدھر بڑھ جاتے تھے دشمن کا جینا تنگ کرتے تھے گرائی لاشوں پہ لاشیں علمبردار مذہب نے نہ روکا راستہ ان کا سواروں نے نہ مرکب نے گیا لشکر میں چھپ کے ابن قمیہ پشت مصاب پر کیا تلوار کا ایک بار چھپ کر دست مصاب پر علم تھامے تھے وہ جس ہاتھ سے وہ کٹ گیا بازو زمین پر چھوڑ کر تلوار مصاب ہو گئے ایک سو تبھی پھر ابن قمیہ نے کیا ایک بار بازو پر تو مصاب کا گرا وہ دایا بازو بھی قلم ہو کر علم کو پھر بھی روکا آپ نے کاندھے سے گردن سے بالآخر آپ نے پائی شہادت ضرب دشمن سے شہادت دیکھ کر مصعب کی یہ نعرہ کیا اس نے محمد کی شہادت ہو گئی دعویٰ کیا اس نے رسول پاک کی سن کر شہادت دین کے غازی شہادت دین کے غازی ہوئے بے جان غم سے ہارے ہمت دین کے غازی ہوئے بے جان
ऐसे मजहब पर जो वार करता है तो आपका दूसरा बाजू भी कट जाता है और आप जामे शहादत नोश फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हजरत मजहब की शहादत हो गई तो इब्ने कुबिया ने ये नारा बुलंद कर दिया कि मोहम्मद की शहादत हो गई माज़ल्लाह। लेकिन रसूल पाक की सुनकर शहादत दीन के गाजी हुए बेजान गम से हारे हिम्मत दीन के गाजी। आगे क्या होता है सुनेगा सामीन। शहादत सुन के आका की मुसलमान सब परेशान थे, नबी को ढूंढते फिरते थे रन में चश्मे गिरियां थे, न जब उनको नजर आए रसूले पाक तो रोए। शहादत की खबर सुनकर सभी ने होश थे खोए, बहुत से लोग मैदान छोड़कर पहुंचे मदीने में, रसूल अल्लाह के गम की लगी थी आग सीने में, उमर फारूक के दिल पर था सदमे का असर भारी, हवास होश खो बैठे थे हैरत हो गई तारी, लड़ाई छोड़ दी शमशीर फेंकी एक तरफ हटकर, नदामत थी के हमने खो दिया मैदान में पैगंबर, खड़े थे एक तरफ हैरत में वो अफसोस करते थे, कलेजा थाम कर सर को झुका कर आह भरते थे, जनाबे उंस ने देखा उमर का हाल ये अबतर, तो दौड़े पास पहुंचे और कहा ये उनको समझा कर, तुम्हारा देख कर ये हाल दुश्मन को खुशी होगी, मुसलमान लड़ते हैं जो उनकी हालत भी बुरी होगी। उमर बोले नहीं जब शम्मा परवानों का क्या होगा, शहादत पाई आका ने मुसलमानों का क्या होगा, जनाबे उन्स बोले दुश्मना ने दी को मारेंगे, किया जिसने शहीद आका को उसका सर उतारेंगे, जनाबे उन्स ये कह कर चले जब जंग करने को, उमर के दिल में आया जोश तो पहुंचे वो लड़ने को, फकत 70 मुजाहिद अब भी रन में जंग करते थे, फकत 70 मुजाहिद अब भी रन में जंग करते थे, न जीने की तमन्ना थी न वो मरने से डरते थे, कहाँ 10,000 का लश्कर और कहाँ ये 70 मुजाहिद, लेकिन ये फिर भी हिम्मत से लड़ रहे हैं क्योंकि इनको जीने मरने की परवाह नहीं है। आगे समाप्त कीजिए क्या हो रहा है। मकाबिल थे मुसलमानों के उस दम 10,000 इंसान, मुजाहिद लड़ रहे थे इस तरह दुश्मन थे सब हैरान, सुनो अब हंजला का हाल आलम था जवानी का, वो रन में आए थे सेहरा बंधा था कामुरानी का, खुदा से चौधरी के चांद जैसी शक्ल पाई थी, अभी एक रोज पहले उनकी शादी होके आई थी, नबी के चाहने वाले थे अरमा था शहादत का, शरफ हासिल था उनको सरवरे आलम की सोहबत का, जिहादे फी सभी लिल्लाह के जज्बात लाए थे,
खबर सुनकर बगैर गुस्ल ही बोलन में आए थे। अबू सुफियां को देखा जंग में खुद को बचाता है, रसूल पाक पे छुप छुप के वो हमले कराता है। यकायक हंजला दौड़े अबू सुफियां को ललकारा, खड़ा क्या देखता है दूर से तूरन का नजारा। वो घोड़े को लगा कर एड़ इक जानिब को चल निकला, झपट कर हंजला ने कर दिया तलवार से हमला। कटी घोड़े की गर्दन और अबू सुफियां गिरा नीचे, तो हजरत हंजला छाती पे उस जालिम की जा बैठे। वो गर्दन काटना ही चाहते थे उसकी खंजर से, अचानक उन पे चारों सिमत से होने लगे हमले। लगी तलवार एक पीछे से गर्दन पर, कटी गर्दन जमी पर गिर गए जब हंजला तो खुश हुआ दुश्मन। निकाले जंग के अरमा दिखाया फन शुजात का, निकाले जंग के अरमा दिखाया फन शुजात का। नबी के इश्क में पूरा हुआ अरमा शहादत का, अरमा दिखाया फन शुजात का। नबी के इश्क में पूरा हुआ अरमा शहादत का। इस तरह से हजरत हमजला शहादत पाते हैं, लेकिन अब हजरत अमीर हमजा का हाल सुनिए जो उन जालिमों के बीच में घिरे हुए हैं। सुनो अब हाल हमजा का, घिरे थे मक्के वालों में मिसाले शेर तनहा, लड़ रहे थे वो शगालों में। उन्हें जब फौज दुश्मन आगे बढ़ बढ़ के दबाती थी, तो उन सब के लिए तलवार हमजा की हटाती थी। वो कोशिश कर रहे थे हमजा को काबू में लाने की, इधर शमशीर हमजा मश्क में थी सर उड़ाने की। जो दुश्मन करके हिम्मत सामने हमजा के आता था, वो नारी सर कटा कर आतिशे दोजख में जाता था। सरों पर सर उड़ाती जाती थी तलवार हमजा की, नजर से कांपते थे तेग जंजीदार हमजा की। जो देखा हाल ये हिंदान इस्लामी दिलावर का, तो सोचा बदला लूं मैं बाप बेटा और बिरादर का। गुलामो हबशी को उसने उभारा फिर ये कह कह कर के लूं हमजा से बदला, भूख उठती है ये रह रह कर। अगर हमजा को तू मारेगा तुझको शाद कर दूंगी, कि दुनिया तेरे दिल की ऐश से आबाद कर दूंगी। तुझे दूंगी गले का तौफ वो इनाम पाएगा, के माला माल हो जाएगा ऊंचा नाम पाएगा। लगा कर खाक नेजा फेंकने में खूब था वैशी। हजरत अबू सुफियान की बीवी जिंदा जब ये देखती है कि हजरत अमीर हमजा घिरे हुए हैं, तो वे एक वहशी को भड़का रही है कि तुम अगर अमीर हमजा को मार दोगे तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। वो वहशी जो था
उसका भाला फेंकने में इतना सच्चा निशाना था कि कभी चूकता नहीं था। तो क्या होता है सुनेगा, लगा कर घात नेजा फेंकने में ऊब था वहशी, इसी बाईस तो मक्के वालों को महबूब था वहशी, निशाना उसके हर बे का कभी खाली न जाता था, निशाने पर जो उसके आता था वो बच न पाता था। सुना इन आम वहशी ने तो फिर जी उसका ललचाया, सुना इन आम वहशी ने तो फिर जी उसका ललचाया, चला वो हर बाले कर सात वहशत पर उतर आया, पत्थर की उसकी आड़ में बैठा, निशाना बांध कर हर बाजो फेंका जानिबे हमजा, लगा हमजा के सेरे नाफ पीछे पुष्ट के निकला, लगा था जख्मकारी हौसला फिर भी नहीं तोड़ा, जिधर से आया था हरबा उधर हमजा ने रुख मोड़ा, झपटता देखा जो हमजा को तो घबरा गया वहशी, बचा कर जान अपनी एक तरफ को भाग उठा वहशी, मगर हमजा भी दौड़े तेज तर खूंखार के पीछे, जो फिसला पाऊं हमजा का तो खंदक में गिरे नीचे, गिरे खंदक में हमजा मिल गई मंजिल शहादत की, उसी खंदक से पाई राह उस गाजी ने जन्नत की। इस तरह से हजरत अमीर हमजा उस खंदक के अंदर गिरकर शहीद हो जाते हैं। जख्म तो पहले ही काफी था आपका, लेकिन वहशी ने जब मुड़कर देखा कि हमजा पीछा नहीं कर रहे हैं तो वो क्या सोचने लगा, जो मुड़ के देखा वहशी ने तो हमजा को नहीं पाया, पलट कर पीछे खंदक की तरफ वहशी चला आया, जो देखा उसने खंदक में पड़े हैं हजरत हमजा, हैं आंखें बंद और जख्मी पड़े हैं हजरत हमजा, रुखे पुर नूर पर हमजा के वो शाने जला ली थी, के जिसको देख कर वहशी के रुख पर बद हवासी थी, उसे डर था अगर ये शेर जागा कहर तोड़ेगा, उसे डर था अगर ये शेर जागा कहर तोड़ेगा, उसे डर था अगर ये शेर जागा कहर तोड़ेगा, अगरचे दूर हूँ फिर भी मुझे जिंदा न छोड़ेगा, पा चुके थे।
फिर भी वो बहशी डर रहा था पास जाने से। छोटी सी कंकरी उठाकर हमजा के मारता है, ऐसा तो नहीं कि अभी ये जिंदा है। उसके बाद जब उसने कंकरी मारी और उधर से खामोशी देखी तो वो आगे बढ़ जाता है और क्या जुल्म करता है, समाप्त कीजिएगा। लबे खंदक से छोटी कंकरी हमजा के कुमारी, खामोशी हजरते हमजा पे जब फिर भी रही तारी। यकीन उसको हुआ अब वाकई पे जान है हमजा, नहीं समझा ये नादान के अजीम शान है हमजा। छुरी लेकर गया खंदक में नियत में खलल आया, शिकम चीरा जिगर हमजा का वो लेकर निकल आया। उसे मालूम क्या था एक दिन ईमान लाना है, मुझे इस कारनामे पर सदा आंसू बहाना है। जिगर हमजा का लेकर वो करीबे हिंद जा पहुंचा, कहा इनाम तो जो काम सौंपा था वो कर आया। किया है कत्ल हमजा को जिगर ये उनका लाया हूँ, कराया तुमने ऐसा काम मुझसे हौल खाया हूँ। हुई सुनकर ये हिंदा खुश जिगर उसने चबा डाला, कहा बहशी से चल मुझको दिखा तू इस जिगर वाला। न निगला जा सका उससे जिगर अलकुम में अटका, चबा कर अपने दांतों से जमी पर वो जिगर टपका। करीबे हमजा जब पहुंची मसरत कल्ब पर छाई, छुरी वहशी से लेकर नीचे खंदक में उतर आई। तराशे गोश भी नी दिल निकाला और गुर्दे भी, के उसके फेल से थर्रा गए जिंदे भी मुर्दे भी। हया बिल्कुल न आई उसने काटे जुवे पोशीदा, पलक भी रो पड़ा देखा जो फेले ना पसंदीदा। सभी आधा पिरो कर हार एक उसने बनाया था, सभी आधा पिरो कर हार एक उसने बनाया था। गले में पहन कर हिंदा ने लोगों को दिखाया था, गले में पहन कर हिंदा ने लोगों को दिखाया था। सभी आजा पिरोकर हार इस उसने बनाया था, गले में पहनकर हिंदा ने लोगों को दिखाया था। और उसके बाद क्या हुआ सुनेगा। गले का तौक उतारा और दिया महशी को ये कहकर, अभी दीनार और दस्तार दूंगी घर तुझे चलकर। उधर मैदान में चलती थी अंधा धुंध तलवारें, बदन से जख्मियों के छूटती थी खून की धारें। जनाबे काबू बिन मालिक को बेहद बेकरारी थी, सुना था के शहादत हो गई महबूबे बारी की। फोरन में लड़ते लड़ते ढूंढते थे अपने आका को, फोरन में घुस गए तन्हा वहीं छोड़ा सहाबा को। नजर आया बहुत से मक्के वाले घेरा डाले हैं, सभी के हाथ में तीरों कमा तलवार उभाले हैं।
जनाबे काबू दौड़े उस तरफ तो जाके ये देखा हजारों हमला आवर और अकेले हैं शहे बतहा। सिरा पहने थे आका और सरे अक्दस पे मगफर था, हजारों में घिरे थे पर कदम पीछे न हटता था। नबी पर हर तरफ से होती थी तीरों की बौछारी, यही कोशिश थी शम्मे दीनों ईमा को बुझा डाले। मगर सरकार इस्तकलाल से मैदान में कायम थे, बड़ी शाने जलाली से शहनशाहे तो आलम थे। जनाबे मुस्तफा का रूए अनवर जगमगाता था, घिरा था फिर भी दो आलम का दूल्हा मुस्कुराता था। चारों बन गए थे ढाल सरकारे दो आलम की, इन्होंने कोशिशें बेकार की हर एक जालिम की। जिधर ये चारों बढ़ जाते थे जालिम भाग जाते थे, मगर होकर इकट्ठे फिर वो हमला करने आते थे। निगाहे काबू ने जब हजरते वाला को पहचाना, कहा अल्लाह अकबर खैरियत से है मेरे आका। पुकारा काबू ने प्यारे नबी मौजूद हैं रन में, सहाबा ने सुना तो जान फिर से आ गई तन में। दिलेरी से वो लड़ते मारते ललकारते आए, खुशी से नारे अल्लाह अकबर मारते आए। रसूले पाक के पास आ गए यूं उनके दीवाने, के जैसे शम्मा रोशन वो तो आ जाते हैं परवाने। ये देखा दुश्मनों ने तो उन्हें हर सिमत से घेरा, साहबा और नबी की सिमत सब लश्कर ने मुंह फेरा। बड़ा घमसान कारण सर पे सर गिरने लगे कटकर, चली तेजी से फिर मैदान में तलवार हट हट कर। जनाबे काबू ने सारे कमादारों को ललकारा, जो आया उनकी जद में तीर से उनके गया मारा। पया में मौत बनकर उनका हर एक तीर जाता था, जो आता उसकी जद में वो अमा हर किस न पाता था। Thank you.
हजरते काब बिन मालिक अपने आका को ढूंढते फिर रहे हैं मैदान में। बहुत देर के बाद आपकी नजर जब पड़ी तो आपने पुकारा कि मिल गए शहद आलम। सब लोग ये आवाज़ सुनकर नारे तकबीर की सदा बुलंद करते हैं और उसके बाद बड़े घमसान की लड़ाई होती है। हजरत काब बिन मालिक बहुत अच्छी तरीके से तीर अंदाजी जानते थे, उन जालिमों के ऊपर तीर छोड़ते हैं। ये देखकर रसूल पाक ने अपना तुर्कश उन्हें दिया और फिर जो लोग ये जंग छोड़कर मदीने भाग गए थे वो क्या करते हैं, उनकी माँ बहनें उनसे क्या कहती हैं, सुनिए। रसूल अल्लाह ने देखी काब की ये तीर अंदाजी तो अपना दे दिया तुर्कश, उन्हें खुश हो गया गाजी। रसूल पाक के तीरों से दुश्मन हो गए हैरान कि मैदाने ओहद था मुशरिकों को हश्र का मैदान। सुनो अब हाल उनका जो शहादत सुन के आका की, गए मैदान से वो गमजदा घर को हुए राही। दिले मुजतर से हैबत से परेशान सबके सीने में, कई सौ लोग इस हालत से जा पहुंचे मदीने में। जो देखा माओ बहनों बीवियों ने उनको ललकारा, रसूले पाक को तुम छोड़ कर फिरते हो आवारा। कहा सबने ये रो रो कर शहादत पाई आका ने, नहीं जब शम्माई मौजूद क्या करते ये परवाने। कहा माओ ने तुमको इसलिए पाला था हसरत से कि तुम मैदान से भागो फेर कर मुँह जाने रहमत से, शहादत तुम भी हासिल करते आका की रिफाकत में। हमें भी फख्र होता और तुम भी जाते जन्नत में। नहीं हिम्मत तो पहनो चूड़ियां और घर में तुम बैठो, हमें हथियार दो अपने के हम जाएंगे लड़ने को। शहीदा का हुए जिस जा वहीं हम मरने जाएंगे कि अपनी जान आका पर निछावर करने जाएंगे। ये ताने सुन के सब डूबे निदामत के पसीने में, पसीने में पलट कर चल दिए रन को नहीं ठहरे मदीने में। पलट कर चल दिए रन को नहीं ठहरे मदीने में, पलट कर चल दिए रन को नहीं शहादत की खबर सुनकर उन लोगों की माएँ बहनें बीवियाँ कहती हैं कि लो तुम ये चूड़ियाँ पहनकर बैठ जाओ, अपने हथियार हमें दो, हम लड़ने जाएंगे। ये ताने सुनकर सब डूबे निदामत के पसीने में, पलट कर चल दिए रन को नहीं ठहरे मदीने में। और उसके बाद जो आवारा थे जंगल में उन्हें देखा तो ये बोले, कहो क्या बात है तुम घर से क्यों वापस चले आए। सुनाया हाल सबको और कहा अब लड़ने जाते हैं, नबी के दीन पर अब जान छावर करने जाते हैं। वो बोले अच्छा तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, बड़ी तकसीर की हमने कफे अफसोस मलते हैं। पहाड़ी से हटे हम और गिरे माले गनीमत पर, इसी लालच ने पहुंचाया हमें हद्दे मुसीबत पर। वो लोग कहते हैं कि हमने हुजूर के फरमान को नहीं माना,
हम लोग पहाड़ी से नीचे आ गए, माले गनीमत लूटने लगे, इसी लालच ने आज ही हमारा हाल किया है। उसके बाद फतह पाकर हुआ है मुंतशर अफसोस शीराजा, नबी के हुक्म को टाला, मिला है उसका खिमियाजा। चलो हम फिर तलाफी के लिए अब जंग करते हैं, हम अपनी जान देकर जुर्म का जुर्माना भरते हैं। शहादत की खबर से मुस्तफा की सख्त सदमा था, मदीने की मुसलमान औरतों ने अपना घर छोड़ा। गई जंगे ओहद में पूछती थी अपने आका को, बताओ तो किसी ने देखा है सरकार बतहा को। वो मोमिन जख्मियों को जंग में पानी पिलाती थी, नबी को ढूंढती फिरती थी और आंसू बहाती थी। इधर शौहर बिरादर और बेटे कर दिए कुर्बान, नहीं था रंजू उनका गम में थी सरकार के नाला। वो औरत थी मगर मर्दों से आगे ले गई बाजी, उन्हीं की गोद में पल कर बड़े थे दीन के गाजी। फिर रही थी जख्मियों को आप जब पानी, नजर आई शहेदी की शबीहे पाक नूरानी। जो देखा दुश्मनों को हादिए कामिल पे हमलावर, सिमी पर रख के मशकीजा कमर से बांध ली चादर। नबी की सिमत दौड़ी और रोका बदनी हाथों को, बदन पर वार रोके रद किया उनके इरादों को। पढ़ा एक दुश्मन दी कर दिया खातून पर हमला, तो उसके वार को खातून ने एक हाथ पर रोका। पकड़ कर हाथ ताए हाथ से तलवार को छीना, उसी तलवार से सर काट कर मारा वो बदकीना। इसी सूरत से वो दोपहर तक लड़ती रही रन में, शुजात देख कर सन्नाटा छाया फौज दुश्मन में। नबी की ढाल बन कर वार दुश्मन के बचाए थे, सरो गर्दन पे तेरा जख्म उस बीबी ने खाए थे। ये खिदमत थी नबी के नाम पर उम्मे अमारा की, शरीके जंग था शौहर भी उनका और बेटा भी। तो ऐसी औरतों की नस्ल है गाजी मुजाहिद है, अमर है नाम उनके आज तक तारीख शाहिद है। नबी के इश्क में जिसको मिली लज्जत शहादत की, उन्हीं के नाम अल्लाह ने लिखी जागीर जन्नत की। Thank you.
पर हर सिमत से पत्थर बरसते थे, मगर फिर भी जुबा से खैर के कलमे निकलते थे। सभी मुशरिक थे महबूबे खुदा की जान के प्यासे, भरे फिरते थे अपनी झोलियों में संग के टुकड़े। लगा एक जोर से पत्थर जो दंदा ने मुबारक पर, शहीद एक दांत आका का हुआ उस जंग के अंदर। जो कड़ियां फौज की थी घुस गई रुखसार के अंदर, के एक पत्थर लगा था जोर से रुखसार के ऊपर। रुखे अनवर से आका के लहू की धार चलती थी, ये सुनकर रोती आई फातिमा सरकार की बेटी। अली भर भर के पानी ढाल में जब पास लाते थे, तो तस्ते फातिमा जहरा लहू को धोते जाते थे। रुखे अनवर पे तलवार का भी जख्म आया था, उसी के खून में मलबूस आका का भी गोया था। ये हालत देख कर आका की इब्ने उमिया ने सोचा कि अब मौका है पैगंबर पे कर दूं तेग से हमला। बढ़ा वो जैसे ही और उसके साथी भी बड़े आगे, सहाबा भी नबी के आ गए मुशरिक तभी भागे। या पीछा सहाबा ने मगर वो इस तरह भागे कि मुड़कर भी नहीं देखा, पड़े थे जान के लाले। मगर फिर इब्ने उमिया आ गया और तेग को तोला, हटे सरकार तो पाए मुबारक आपका फिसला। मेरे खंदक में तो उसमें गड़े थे बर्छिया भाले, बहुत जख्मी हुए आका फरिश्तों ने दिए नाले। खंदक में तो उसमें गढ़े थे बर्छियां भले, बहुत जख्मी हुए आका फरिश्तों ने किए नाले। लेकिन अचानक आ गए हजरत अली सरकार को देखा, उसे खंदक के अंदर बर्छियों को जिस्म से खींचा। अबू बकर उमर तलहा उबैदा भी गए नीचे, रसूले पाक को खंदक से बाहर मिल के ले आए। हिफाजत से उन्हें पहुंचा दिया ऊपर पहाड़ी पर, गए फिर जोश में उस जहां जहां दुश्मन का था लश्कर। सहाबा शेर की मानिंद झपटे लेके तलवारें, गिरी लाशों पे लाशें बह रही थी खून की धारी। मदीने और सहरा वाले भी अब लौट कर आए, गए वो एक पहाड़ी पर वहां से तीर बरसाए। अबू सुफियान घबराया कहा लश्कर से अब भागो, मुसलमानों की अब फौज आ रही है देख लो लोगो। यहां से जा बचा कर भाग जाना ही मुनासिब है, दोबारा जंग को आइंदा आना ही मुनासिब है। मुसलमानों ने कत्ले आम करके जीत ली बाजी, के खीरे और ककड़ी की तरह दुश्मन कटे काफी। सहम के भाग उठे दुश्मन सभी फिर मौत के डर से, मौत के डर से। वो
वो मैदा गूंज उठा नारे अल्लाहु अकबर से, हजरत उमर फारूक, तलहा, उबैदा, ये सब मिलकर हमारे आका को उस खंदक से बाहर निकालते हैं और उनको हिफाजत से एक पहाड़ी पर पहुंचा देते हैं। उसके बाद सारे सहाबा शेर के मानिंद उस दुश्मन की फौज पर हमला करते हैं। जब अबू सुफियान ने ये देखा तो वो घबरा गया और कहा कि देखो अब मुसलमानों की फौज आ गई है, अब हमारा यहाँ से भाग जाना ही बेहतर है और फिर कभी दोबारा जंग करने के लिए आएंगे। ये जंग कब होगी आइंदा इंशाल्लाह हम आपको जंग खंदक सुनाएंगे, और इंशाल्लाह जंग खंदक और फतह मक्का ये हमारी अगली कोशिश होगी। इस बार आपने जंग ओहद के ये दोनों हिस्से सुने, इस वक्त आप दूसरे हिस्से का आखिरी बंद समाप्त फरमा रहे हैं। समाप्त कीजिए। सहम के भागे उठे दुश्मन सभी फिर मौत के डर से, सहम कर भाग उठे दुश्मन सभी फिर मौत के डर से, वो मैदा गूंज उठा नारे अल्लाहु अकबर से। लेकिन आखिरी बंद में जनाब शौक वजीर गंजवी क्या कहते हैं समाज फरमाइए। हुई जब शाम तो पहुंचे मुजाहिद सब पहाड़ी पर, अकीदत से फिदा होने लगे वो अपने हाथी पर, वहीं रुखसार से आका के खींची फौज की कड़ियां, लहू की धार निकली फिर भी शादा हे शहे जीशा, किया शुक्रे खुदा के उसने ये इमदाद फरमाई के थोड़ी सी जमात जीत कर मैदान से आई, अदा सब गाजियों ने फिर नमाजे बाजमात की, इमामुल अंबिया ने वक्त मगरिब की इमामत की, रसूले पाक फिर नीचे पहाड़ी से उतर आए, शहीद अपने जो 70 थे वो आकर सबने दफनाए, तलाशे हंजला की हर तरफ लेकिन न मिल पाए, वही आई के वो बेगुस्ल घर से जंग को आए। देखिए हजरत हंजला जिनकी एक दिन पहले ही शादी हुई थी वो बिना गुस्ल किए ही जंग को आ गए थे, तो जब उनका जनाजा तलाश किया जाता है तो पूरे मैदान में हजरत हंजला का कहीं पता नहीं मिलता है। वही आती है सरकार पर, तलाशे हंजला की हर तरफ लेकिन न मिल पाए, वही आई कि वो बेगुस्ल घर से जंग को आए, इसलिए फरिश्ते उनको लाकर गुस्ल देते हैं न घबराओ, उन्हें जन्नत में हूरे मिल गई तुम शाद हो जाओ। ये होता है काजी का मकाम। उसके बाद मलायक गुस्ल देकर हंजला को लाए मैदान में, उन्हें भी दफन फरमाया गया गोरे शहीदा में, मुसलमान औरतें सरकार को सब देखने पहुंची, रसूले पाक की बेटी जनाबे फातिमा भी थी, बराए दीन उनके हो गए थे घर के घर खाली, मगर फिर भी वो खुश थी के सलामत हैं शहे आली, सभी रन से चले फिर साथ में अपने पैगंबर के, लगाते थे खुशी से नारे सब अल्लाह अकबर के, फता पाई थी कसरत पर भरा था जोश सीने में, फता पाई थी कसरत पर भरा था जोश सीने में।
हुए ऐ शौक दाखिल सरवर आलम मदीने में, शौक दाखिल सरवरे आलम मदीने में।